जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं डॉक्टर यादेश्वर अम्बुले, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर। इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायबिटीज की। डायबिटीज क्या है, इसके कारण क्या है, इसके क्या लक्षण हैं, या कितने प्रकार का होता है और हमें इसके लिए कौन सी टेस्ट करनी चाहिए। साथ ही कुछ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन की बात करेंगे जो डायबिटीज में काफ़ी उपयोगी है। दोस्तों, डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। हम जो भी खाते हैं उसे एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए और ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करके हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए हमें इंसुलिन नामक हार्मोन की आवश्यकता होती है। यह हमारे पेनक्रियाज के बीटा सेल्स द्वारा निर्मित होता है और जब हमारे पेनक्रियाज के बीटा सेल्स यह इंसुलिन बनाने में असमर्थ होते हैं या पर्याप्त मात्रा में नहीं बना पाते, तब हमारे रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने लगता है, जिसे हम ब्लड शुगर या डायबिटीज कहते हैं। दोस्तों, यह मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। पहला होता है टाइप 1 डायबिटीज, यह बच्चों में पाया जाता है। इस तरह के डायबिटीज में हमारे पेनक्रियाज के बीटा सेल्स इंसुलिन बनाने में पूरी तरह से असमर्थ होते हैं या काफ़ी कम मात्रा में बनाते हैं। दूसरा प्रकार होता है टाइप 2 डायबिटीज का, जो कि काफ़ी सामान्य है, अधिकतर पेशेंट में पाया जाता है। इस तरह के डायबिटीज में हमारा पेनक्रियाज इंसुलिन बनाता तो है, मगर जितना बनाना चाहिए उतना पर्याप्त मात्रा में नहीं बना पाता। तीसरा होता है जेस्टेशनल डायबिटीज, जो महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान पाया जाता है। गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से यह महिलाओं में होता है। दोस्तों, अगर डायबिटीज के कारणों की बात करें तो डायबिटीज के काफ़ी सारे कारण हैं, मगर मोटापे को इसका मुख्य कारण माना गया है। इसके अलावा हमारी जीवन शैली, हमारे खानपान, हमारे आहार में अधिक मीठी चीज़ों का होना हमें डायबिटीज़ की ओर अग्रसित करता है। इसके अलावा हमारे जीवन शैली में, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पर्याप्त नींद का ना होना, स्ट्रेसफुल लाइफ इसके लिए काफ़ी ज़िम्मेदार है। इसके अतिरिक्त एक्सरसाइज की कमी यह भी एक डायबिटीज़ का कारण है, जिसके वजह से हमारा मेटाबॉलिक रेट कम होने लगता है। दोस्तों, इसके अलावा डायबिटीज़ का और एक कारण है, जो कि जेनेटिक है। इस तरह के केसेस में अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में कोई डायबिटिक है तो आपको भी यहाँ होने के चांसेस, संभावना बढ़ जाती है। इसके लिए दोस्तों हमें कुछ टेस्ट करने होते हैं, जो खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद की जाती है। जो टेस्ट खाना खाने के पहले होती है उसे फास्टिंग कहते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो 120 mg पर डीएल होती है। यदि इससे ज़्यादा हो तो आप डायबिटीज के श्रेणी में हैं, यह माना जाता है। दूसरी टेस्ट होती है जो खाना खाने के 2 घंटे बाद की जाती है, जिसे पीपी कहा जाता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू 140 mg पर डीएल होती है। यदि 140 से ऊपर हो तो आप डायबिटीज के श्रेणी में हैं, आप बॉर्डर लाइन में हैं, डायबिटीज के बॉर्डर लाइन में हैं, यह माना जाता है। इसके अलावा एक और टेस्ट है, जो कि हमें डायबिटीज होने का कंफर्मेशन देती है, वो है HbA1c। यह टेस्ट हमें यह दर्शाती है कि पिछले 3 महीनों में हमें कितना ग्लूकोज कंज्यूम किया है। इसकी नॉर्मल वैल्यू 7% होती है। यदि यह वैल्यू, इसकी नॉर्मल वैल्यू 7% से अधिक होती है तो आप कन्फर्मली डायबिटिक हैं, यह माना जाता है।
दोस्तों इसके सिम्टम्स के बारे में बात करें तो इसके सिम्टम्स में मुख्यतः आपको बार बार प्यास लगना, आपको बार बार यूरिन होना, बार बार पेशाब होना, पेशाब की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना। पेशाब की फ्रीक्वेंसी दिन के मुकाबले रात में ज़्यादा होती है। आपको थकान महसूस होती है। आपके हाथ पैरों में झंझनाहट या सुन्नपन होना। आपकी आंखों का विजन कम होना, यह मुख्य लक्षण है। साथ ही यदि आपके हाथ पैर में कोई चोट लग जाए, छोटी सी भी चोट लग जाए, तो वह भरने में, उसे हील करने में काफ़ी वक्त लगता है। इन आम लक्षणों द्वारा आप पता लगा सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं कि मुझे डायबिटीज है या नहीं। यदि ऐसे कोई लक्षण आप में है, आपको समझ में आते हैं, तो आप अपना टेस्ट करके, ब्लड शुगर टेस्ट करके आप पता लगा सकते हैं कि आप डायबिटिक है कि नहीं। दोस्तों अब बात करते हैं डायबिटीज से संबंधित कुछ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन की। दोस्तों आप जानते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन में S1 नामक एक यूनिवर्सल मेडिसिन है, जो कि मेटाबॉलिज्म की काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। यह मेडिसिन मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करती है और आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाती है। साथ ही डायबिटीज के वजह से आपका नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है, और नर्वस सिस्टम के लिए हमारे पास फैब्रिफ्यूगो ग्रुप की पहली मेडिसिन F1 है, जो कि डायबिटीज में काफ़ी कारगर है। नर्वस सिस्टम इफेक्ट होने की वजह से आपके नर्व सेल इफेक्ट होते हैं और आपको हाथ पैरों में झंझनाहट होती है या सुन्नपन आता है, लॉस ऑफ सेंसेशन होता है। इसके लिए आप F1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही C15 यहाँ पैनक्रियाज की मेडिसिन है, पैनक्रियाज की बहुत अच्छी मेडिसिन है। यहाँ पैनक्रियाज की बीटा सेल्स को स्टिमुलेट कर इंसुलिन बनाने में मदद करती है। इस तरह से आप F1, S1 और C15 का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही डायबिटीज में अगर सबसे ज़्यादा कोई अंग आपका प्रभावित होता है, तो वहाँ है किडनी। डायबिटीज की वजह से आपकी किडनी को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, जिसके वजह से आपको रीनल फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके लिए हमारे पास S6 या C6 या C17, यहाँ तीन मेडिसिन हैं। आप इनमें से कोई भी एक मेडिसिन अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं। दोस्तों साथ ही यदि आपको ऐसा समझ में आता है कि यहाँ डायबिटिक पेशेंट जेनेटिक है, तो आप ऐसे केसेस में वेनमन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेनमन हमारे जेंस की अच्छी मेडिसिन है, जो जेनेटिक प्रॉब्लम में हमारे जेंस को इफेक्ट करती है, तो आप वेनमन का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही कुछ मेडिसिन एक्सटर्नल तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे F2, C5 और BE। यह मेडिसिन आपको एक्सटर्नल तौर पे हेपेटिक रीजन पर, हाइपोकॉन्ड्रिया रीजन पर, एक्सटर्नल बाहरी तौर पर लगानी होती है। दोस्तों इस तरह से आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में डायबिटीज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दोस्तों याद रहे, आप जब भी किसी डायबिटिक पेशेंट का इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ट्रीटमेंट करते हैं, तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि उस पेशेंट को आपको केवल मेडिसिन पर ना रखते हुए उसके जीवन शैली के बारे में, उसके आहार के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में उसे एडवाइस करना है, और साथ में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन आपको जो बताई गई है वहाँ इस्तेमाल करनी है। इस तरीके से आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में
डायबिटीज़ को ट्रीट कर सकते हैं और पेशेंट को क्योर भी कर सकते हैं।